सोलन नगर निगम चुनावों के चलते सोलन की राजनीति पूरी तरह से गरमा चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर पहुंच चुका है। पहले भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस प्रभारी पर कई तंज कसे। अब पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने सोलन के विधायक धनीराम शौंडिल पर जुबानी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के विधायक अपने कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण रखने में पूरी तरह से असफल हो चुके हैं। यही कारण है कि उनमें फूट बढ़ती जा रही है, जिसका फायदा नगर निगम चुनावों में भाजपा को मिलने वाला है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का सोलन को नगर निगम का तोहफा देने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वे जल्द ही जीत हासिल कर उन्हें भाजपा की नगर निगम का तोहफा देंगे। पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को पंचायती राज चुनावों में भी भाजपा ने करारी शिकस्त दी है और नगर निगम के चुनावों में भी वे कांग्रेस का यही हशर करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि सोलन कांग्रेस के मुखिया सोलन के विधायक धनीराम शौंडिल संगठन के समानांतर अपना गुट चला रहे हैं, जिस कारण सोलन में कांग्रेस पूरी तरह से बंटी नजर आ रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस को पंचायती राज चुनावों में भी मुंह की खानी पड़ी और नगर परिषद चुनावों में भी कांग्रेस भाजपा के आगे टिकने वाली नहीं है। जो स्थितियां हैं, क्योंकि संगठन की दृष्टि से आपने भी देखा है कि यहाँ पर कांग्रेस काफी डिवाइडेड है। बिल्कुल वर्टिकल डिवीजन जो है वो है। यहाँ के जो हमारे विधायक हैं उनका एक अलग से ग्रुप चल रहा है, संगठन का अलग से काम चल रहा है। वो अभी हमने पिछले जो पंचायती राज के जो चुनाव हुए उसमें हमने देखा है कि वो बहुत गड़बड़ था। और यहाँ पर आज इन परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यूनाइटेड है और पूरी तरह से सशक्त है और हमने लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए जो है पन्ना प्रमुख तक यानी हमने जो है उस संगठन को खड़ा किया है। और इस बार कोई भी कार्यकर्ता जो है, जैसे होता है कि विदाउट सिंबल जब चुनाव लड़े जाते हैं, जैसे पिछले पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लड़े गए, तो उसमें कई बार दोस्ती, कई बार जो है वो मित्रता, कोई रिश्तेदारी जो है बीच में आ जाती है। पर इस बार क्योंकि चुनाव सिंबल पर है, इसलिए सिंबल को मद्देनजर रखते हुए हर पार्टी कार्यकर्ता जो है वो काम करेगा और पार्टी के लिए काम करेगा। और पार्टी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मजबूती से काम करने वाली है और कांग्रेस की अपेक्षा हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है।